गत दशंधि धरी वर्षा पा पशि केन्दुझर जिला मुख्य चिकित्सालय भासिबा समस्या लागी रही। एहार निराकरण पाई जिला खनिज पांठि एवं ओएमबीडीसी अर्थरु कोटि कोटि टंका खर्च करी शतवार्षिक कोठा निर्माण करागला, किंतु एहापरे भी जिला मुख्य चिकित्सालयर अवस्था सेया। आजिर एही दृश्य देखिले जे केही भी एही गोटिए कथा कहिबे। केन्दुझर रे 29 तारीख अपराह्न 3 घटिका समय रे वर्षा आरंभ हो जाइतिला। वर्षा आरंभर किछि समय परे हठात जिला मुख्य चिकित्सालय जलपूर्ण होइगला। आउटडोर रु आरंभ करी शल्य विभाग भेषज विभाग वार्ड गुड़िकरे आंठुए आंठुए पानी पड़ जाइथिला, फलरे रोगी माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइथिले। एपरिके किछि समय पई आउटडोर बंद हो जाइथिला। खाली सेतिके नुहे, खुद सीडीएम को ऑफिस मध्य पानी घेररे रहिथिला। परिस्थिति एपरि होइथिला जे वार्ड गुड़िकर परिस्थिति देखिबाकु निजे सीडीएम निज ऑफिस बाहर को आसीबा कष्टकर होइपड़िथिला। मेडिकल रो स्वीपर रु आरंभ करी सिक्योरिटी समस्ते पानी काढ़िबारे लागी पड़िथिले। प्राय 3 घंटा परे परिस्थिति सामान्य होइथिला। तेबे आजिर एही घटना चिकित्सालय अधिकारी एवं नूतन कोठा निर्माण दायित्व रे थिबा पूर्त विभागर दायित्वबोध उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करछि। एने सीडीएमओ चिराचरित प्रथारे पानी पसिथिबा घटना को स्वीकार करथिले भी उपर कोठा निर्माण हेउथबारु एहा उपरे दोष देइ निज दायित्वबोध को एड़ाई जाइथिले। किंतु एठी प्रश्न उठुछि जे वर्षा नै पाणिपाग विभाग केन्दुझर जिला प्रशासन को सतर्क करथिबा सत्वे जिला मुख्य चिकित्सालयर एपरि अवस्था पई दायी किए। केन्दुझर रु अनिल नंदन रिपोर्ट, ओएनए खबर।